फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन यूट्यूबर अनमोल। सो फ्रेंड्स आज हम लोग जो है इस वीडियो में बात करने वाले हैं पैंडम प्लस प्लस क्रीम के बारे में, जो कि स्किन गोरा करने के लिए या कह लो कि स्किन वाइटनिंग के लिए काम में आती है। सो फ्रेंड्स इस वीडियो में आप लोग को सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है कि ये क्रीम आपने किस तरीके से यूज करनी है या इसके कौन कौन से साइड इफेक्ट्स हैं, ठीक है, क्योंकि कई इसके साइड इफेक्ट्स भी हैं फ्रेंड्स। और ये क्रीम जो है कई लोग यूज कर रहे होंगे, कई कर चुके होंगे, कई लोग ये क्रीम को मतलब बंद करना चाहते होंगे क्योंकि इसके कई साइड इफेक्ट्स भी देखे गए हैं फ्रेंड्स। इस वीडियो में मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ इस क्रीम के रिलेटेड। अगर आप जो है स्किन गोरा करने की क्रीम जो है रिसर्च करते रहते हो ना यूट्यूब पे गूगल पे, तो फ्रेंड्स ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है कि ये क्रीम आप लोगों को यूज़ करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, इससे आपकी स्किन में क्या असर होगा और क्या नहीं, सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो जैसे कि मैंने आपको बोल दिया है ये वीडियो जो है इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, तो ये वीडियो जो आपने स्किप नहीं करनी है फ्रेंड्स। स्किप अगर आप करोगे तो कोई मेन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स आप लोग वो मिस कर देंगे, ठीक है जी। आगे बढ़ने से पहले मेरी आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना, और साथ में जो है सब्सक्राइब का जो रेड बटन दिख रहा होगा उसको क्लिक करके ग्रे कर देना, और साथ में बेल आइकन को क्लिक करके ऑल पे जरूर सेलेक्ट कर दीजिए ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूंगी आप लोगों को सबसे पहले मिल जाएगी फ्रेंड्स, ठीक है जी। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। पहले ही बोल दिया ये क्रीम काफी फेमस है और ज्यादातर लोग इसको यूज करते हैं या करने का सोच रहे हैं फॉर द स्किन वाइटनिंग। डेफिनेटली आपको जो है इस क्रीम से गोरापन मिलेगा, बट पूरी वीडियो देख लो, ठीक है, डिसीजन उसके बाद लीजिएगा। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स की, इसमें ऐसे क्या इंग्रेडिएंट्स है जिससे आपको वाइटनिंग मिलेगी, और आप लोगों को क्लियर भी हो जाएगा कि आपको बेनिफिट्स इसके मिलने वाले हैं या नहीं। फ्रेंड्स पैंडम प्लस प्लस जो है ये तीन कॉम्बिनेशन की मेडिसिन से बनता है फ्रेंड्स। पहला इसमें डाला गया है वो है क्लोबेटासोल, ठीक है फ्रेंड्स, ये एक स्टेरॉइड इंग्रेडिएंट है फ्रेंड्स, ये एक स्टेरॉइड मेडिसिन है जो कि आपको अगर कोई स्वेलिंग है, इचिंग है, या कोई रेडनेस है, या कोई रैश आ गया तो उससे जो है इसको काम डाउन करता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इसके अंदर सेकेंड इंग्रेडिएंट है माइक्रोनाजोल, ठीक है जी, इस ये जो है कह लो कि एंटी फंगल बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं इसके अंदर, ये आपको जो है फंगल स्किन के अंदर क्रिएट करने से रोकता है फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है इसके अंदर नियोमाइसिन, ये एक एंटी बैक्टीरियल इंग्रेडिएंट है फ्रेंड्स। ये जो क्या करता है आपके अगर कोई बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है ना तो उसको ये रिड्यूस करता है फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स ये थे इसके तीन इंग्रेडिएंट्स, और अब आप लोगों के अंदर डाउट ये होगा कि क्या ये एक स्टेरॉइड क्रीम है, देन मेरा आंसर है यस फ्रेंड्स, ये एक स्टेरॉइड क्रीम है, और डेफिनेटली इसको जो है एक कहते हैं ना एक टाइम ऑफ पीरियड पे ही यूज करना चाहिए, और डॉक्टर की तरफ से अगर ये आपको प्रिस्क्राइब्ड है या डॉक्टर की निगरानी में आप ये यूज कर रहे हैं देन आप ही तब सेफ अपने आप को फील कर सकते हो। अगर आप ये सोच रहे हो वीडियोस देखने के पर आप जाके मार्केट से बाय कर लोगे, बोल दोगे कि ये क्रीम लेनी है और आप यूज करना शुरू कर दो क्योंकि आप गोरे होने की चाह रखते हो, ठीक है, देन मैं आप लोगों को एक चीज क्लियर कर देती हूँ, ये डेफिनेटली आपको गोरा कर देगा फ्रेंड्स, बट इसके साइड इफेक्ट्स ये देखे गए हैं जब आप इस क्रीम को रोक देते हो फ्रेंड्स, स्टॉप कर देते हो, तब जब आपकी ओरिजिनल टोन जो होती है उससे भी आपकी स्किन काली हो जाती है फ्रेंड्स, क्योंकि इसके अंदर स्टेरॉइड है फ्रेंड्स। स्टेरॉइड इस तरीके से काम करता है फ्रेंड्स, चुटकियों में काम करता है और आपकी स्किन को बिल्कुल क्लियर कर देता है, बिल्कुल डार्क स्पॉट्स को हटा देता है, एंड आप लोगों को ऐसा लगता है कि ओ माय गॉड सच में इस क्रीम ने बहुत अच्छे से काम किया है, मुझे और किसी क्रीम की जरूरत नहीं है। एंड वन मोर थिंग, अगर आप ये सोच रहे होगे अब आपके दिमाग में आ गया होगा, ठीक है इसने तो बोल दिया कि जब मैं रोक दूंगी तो मैं वापस काली हो जाऊंगी, तो इसका मतलब मैं उसको कभी रोकूंगी नहीं, आएगा ना दिमाग में कि मैं गोरी हो रही हूँ भाई, अब तो मैं इस क्रीम को हमेशा लगाऊंगी, लाइफ लॉन्ग लगाऊंगी, मरते दम तक लगाऊंगी, राइट।
तो फ्रेंड्स एक और चीज मैं आप लोगों को क्लियर कर देती हूँ, स्टेरॉयड क्रीम्स अगर आप लॉन्ग टाइम तक यूज करते हो, लंबे समय तक यूज करते हो, तो आपकी स्किन वर्स्ट से भी वर्स्ट हो सकती है। और उसके बाद जितने मर्जी आप ट्रीटमेंट करवा लीजिएगा, आपकी स्किन नहीं ठीक होने वाली है। एक चीज मैं आप लोगों को बिल्कुल क्लियर कर दे रही हूँ, ये कोई भी फ्रेंड्स प्रमोशनल वीडियो नहीं है, मैं कोई भी प्रोडक्ट आप लोगों को बेचने नहीं आई हूँ, ना ही मुझे ये वीडियो बनाने के लिए पैसे दिए गए हैं फ्रेंड्स, ठीक है। मैं अपने सब्सक्राइबर्स अपने व्यूअर्स के लिए ये वीडियो लेकर आई हूँ ऑनेस्टी के साथ फ्रेंड्स। तो यही एक चीज बोलूंगी, इस क्रीम के अंदर स्टेरॉयड है फ्रेंड्स, स्टेरॉयड बहुत ज्यादा खराब होता है फ्रेंड्स। आप जितना मर्जी ट्रीटमेंट करवा लीजिएगा स्टेरॉयड से, अगर आपका फेस खराब हो गया तो आपका फेस ठीक नहीं होगा। अब हम लोग उन लोगों की बात करते हैं जो लोग ये क्रीम यूज कर रहे हैं, ठीक है जी। अब जी सपोज मैं यूज कर रही हूं, मुझे नहीं पता था इसके अंदर स्टेरॉयड है और मैंने इसको यूज करना स्टार्ट कर दिया। अब भाई मुझे पता है मैं अगर रोक दूंगी तो मेरा फेस तो पहले से भी ज्यादा काला हो जाएगा, ठीक है। आप लोगों की भी ये सिचुएशन हो सकती है, ये एग्जाम्पल आप लोगों पर भी हो सकता है, आप में से कितने सारे लोगों पर ये एग्जाम्पल सूट करेगा, राइट फ्रेंड्स, ठीक है जी। तो जो मैंने आपको बताया, अगर आपका सिचुएशन इस तरीके का कुछ है फ्रेंड्स, ठीक है जी, तो आपने यह करना है, फॉर एग्जाम्पल 2 मंथ्स के लिए आपने ये क्रीम लगाई है, अब आपने रोकनी कैसे है? आपने जो है नेक्स्ट वीक जो है अल्टरनेट डेज पे इसको यूज करना है फ्रेंड्स, ठीक है जी। एक दिन छोड़ के अगले दिन आपने इसको यूज किया, ठीक है जी। उसके बाद एक हफ्ता आपने अल्टरनेट डेज पे यूज कर लिया फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट वीक पे आपने क्या करना है, आपने करना है वीक में 3 बारी यूज सिर्फ, ठीक है जी। उसके बाद ये सेकेंड वीक हो गया, आपने कम कर दिया डोज उसका, देन आपने थर्ड वीक पे आना है। थर्ड वीक पे आपने क्या करना है, आपने सिर्फ 2 बारी यूज करना है, ठीक है। आगे हम थर्ड वीक पे, देन फोर्थ वीक पे जब हम आएंगे तो फोर्थ वीक पे आपने यूज करना है 1 बारी, सिर्फ 1 बारी, ठीक है। कोई भी दिन ले लेना, 1 बारी यूज कर लेना, ठीक है जी। देन नेक्स्ट वीक से आपने इसको बंद कर देना है। वन मोर थिंग, अगर आपने स्टेरॉइड क्रीम्स यूज कर रहे हो या बंद कर दी है तो प्लीज सनस्क्रीन जरूर लगा लेना। आपको कोई रैशेज, इरिटेशन, मैं मतलब बता भी नहीं सकती आप लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं स्टेरॉइड क्रीम यूज करने पर, ठीक है। स्टेरॉइड क्रीम के साइड इफेक्ट्स इतने ज्यादा हैं कि मैं बताऊंगी तो आप शायद डर जाओगे। तो आई होप सो मेरी बात आप समझो, जो मैं बोलना चाह रही हूँ, जो मेरे दिल से आवाज निकल रही है आप लोगों के लिए, वो ये है कि प्लीज स्टेरॉइड क्रीम्स यूज नहीं करने हैं, नहीं करने हैं, ठीक है। उसको कंप्लीट नो बोल दो फ्रेंड्स, ठीक है। बट इन केस गलती से यूज कर लिया है लाइफ में तो आपने ये प्रोसीजर फॉलो करके इसको बंद कर देना है, ठीक है जी। एंड अब बात करते हैं जो लोग सोच रहे हैं मैं यूज करूं अब कि ना करूं। पहली चीज, आपकी स्किन कंडीशन क्या है, ठीक है। स्टिल आपको अगर कोई डाउट है प्लीज डॉक्टर से एक बार कंसल्ट करो कि आपको सच में इस क्रीम की जरूरत है भी कि नहीं, क्योंकि और बहुत सारे ऐसे नेचुरल इंग्रेडिएंट के साथ मेडिसिंस होती हैं जिसके सच में बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देखे गए हैं डार्क स्पॉट्स में, पिगमेंटेशन पे। इवन मेरे चैनल पे भी आपको जो है सेफ स्किन वाइटनिंग ब्राइटनिंग की वीडियोस मिल जाएंगी, मेडिकेटेड ट्रीटमेंट्स मिल जाएंगे, आप लोग मेरा चैनल चेक कर सकते हो फ्रेंड्स, ठीक है जी। बट स्टेरॉइड्स की तरफ मैं नहीं हूँ, मैं फेवर में नहीं हूँ स्टेरॉइड क्रीम्स के। एंड में फ्रेंड्स मैं आप लोगों को इसकी प्राइसिंग के बारे में जरूर बताऊंगी, ये नियर अबाउट आपको 80-85 रुपीज में मिल जाता है। आई थिंक ऑनलाइन जो मेडिकेटेड वेबसाइट होती हैं उस पर आपको मिल जाएगा, नहीं तो ये आपको केमिस्ट शॉप पे मिल जाएगा। बट एक चीज का ध्यान रखना है, उसके पीछे लिखा होता है दैट प्रिस्क्रिप्शन इज रिक्वायर्ड, तो आप सोच सकते हो ये मेडिसिन जो है डॉक्टर के बिना हमें यूज नहीं करनी चाहिए। प्राइसिंग वगैरह मैंने आपको इसलिए बताई है इनकेस अगर आप पूछना चाहते हो या आप यूज करना चाह रहे हो, तो इसलिए मैंने आप लोगों को बता दिया है। बट यूज करने से पहले आई रिक्वेस्ट कंसल्ट योर डॉक्टर फर्स्ट, ठीक है जी। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो फ्रेंड्स, आई होप मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो और ऑनेस्ट लगी हो। प्लीज अगर आपको कुछ भी वीडियो में पसंद आया है तो एक लाइक कर देना और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। और मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।